नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुमित काबरा, कंसल्टेंट इम्यूनोलॉजिस्ट आईयूकेडी सोनापुर गुवाहाटी। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटिटी डिस्कस करेंगे जो कि है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसका मतलब है खुद ब खुद पेशाब लीक होना। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जैसे कि छींक आ जाने पर या खांसी आ जाने पे लीक हो जाना, या कुछ बारिश से माल उठा लिया, या अचानक से बैठे हुए खड़े हो गए और उसमें यूरिन लीक हो गया। तो दिस इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और इसके अलावा एक होता है अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि इतने जोर से आपको पेशाब आया कि आप बाथरूम तक ही नहीं पहुँच पाए और उससे पहले ही लीक हो गए। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जनरली देखा गया है कि ये यंग फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, एंड एज दे एडवांस टू ओल्डर एज तो प्रीडोमिनेंटली उनमें अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। तो अगर प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो रही है या मल्टीपल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, और प्रेगनेंसी में भी अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रेगनेंसी चली है या फिर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, जिस वजह से वहाँ के जो मसल्स हैं जो हमारे लोअर ट्रैक को, ब्लैडर और यूरेथ्रा को सपोर्ट करते हैं, वो उनमें डिफिशेंसी होती है और उसके वजह से यूरिन लीक होता है। तो ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 10-40% ऑफ फीमेल पेशेंट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ये सफ़र करती हैं। तो इसमें डिटेल हिस्ट्री भी नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम इवेल्युएट करके डिपेंडिंग ऑन द कॉज हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बिहेवियरल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमें कैफीन कंजम्पशन पेशेंट को मना करना है, थोड़ा लिमिट करें। अगर ओबीस है, वेट ज़्यादा है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करके वेट रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। फ्लूइड इनटेक का मॉडरेशन करना है, कि इवनिंग टाइम या एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिए कि उसके वजह से उनको यूरिन लीक हो सकता है। और चौथा है कि स्मोकिंग भी अगर कम की जाए या बंद की जाए तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देन वी है पेल्विक फ्लोर मसल थेरेपी, जो कि हम बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज की लिंक आपको और डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और बेहतर जानने के लिए कि ये क्या है। देखा गया है अगर ये एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट कर दी जाए तो ये जो चांस होती है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, ये कम होती है। और साथ में इसको हम बायोफीडबैक या मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि हम स्टार्ट करते हैं ताकि पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस ना हो। एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर स्ट्रेस है कि अर्जेंसी है, बहुत सारे सर्जिकल मोडालिटीज़ हैं स्ट्रेस में, जैसे कि हम पिपोवाजाइनल स्लिंग हो गया, मिडिल्यूट्रल स्लिंग हो गया, तो ऑपरेट करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अर्जेंसी में हमारे पास ये ऑपरेशन के विकल्प नहीं होते, और हम या तो फिर मेडिकल थेरेपी भी रखते हैं पेशेंट को, या फिर वो रिफ्रैक्टरी होता है या टॉलरेट नहीं करता है, तो देन आइदर वी गो फॉर बॉटुलिनम इंजेक्शन हम दे सकते हैं, या फिर सेक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन होता है एक टेक्निक, उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।